आपने औरों की तरफ देखना नहीं चाहिए, आपके लिए एक ही बात है, एक ही बात है, राम 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 राम, अरे राम राम, जो राम जब जपते हो उसने में रात दिन लग जाओ, मन लगा कर हरिया बंदी वांसू करिए कूक पुकार, जैसे कोई चोरों में डाकों में फंस जाए और बच नहीं सकता, उसे पुकारता है आनंद भाई, कोई बचाओ रे, कोई बचाओ मेरे को, ऐसे हाथ पर अपने लगे, कोई बचाओ हे नाथ, हे प्रभु बचाओ, उसमें नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, बात नहीं सुहाएगी, नारायण हरि लगन में ये पांचों सुथात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भोगवात, ये पांच सुहाएगी नहीं, अरे जब तक सुहाते हैं तब तक कहाँ है लगन, विषय सुख अच्छा लगा है, निद्रा अच्छी लगती है, हंसी दिल्ली अच्छी लगती है, जगत की बातें अच्छी लगती है, बोलो भगवान की लगन कैसे है, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भोगवात, आराम से रहना चाहते हैं, हमारा आदर करे, कोई निरादर ना करे, तिरस्कार ना करे, अपमान ना करे। एकादश स्कंद में कदरीय की कथा आती है, कदरीय ब्राह्मण एक वो धन इकट्ठा ही करता था, किसी को देता नहीं था, उसकी दशा हुई, फिर महाराज सब छोड़ दिया, घर वालों ने निकाल दिया, तिरस्कार कर दिया, और फिर भजन में लगा, अब लोग धूल डाल दे ऊपर आकर पेशाब करते हैं लोग, तू समय कहता है क्या करो, ये तो मेरी गलती है, कोई क्या करो मेरा ही है, ये मन भी दुख दुख का हेतु नहीं है, और कोई दुख का हेतु नहीं है, मेरा ही है, दूसरा आकर पेशाब करे अरुदी के, इसकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है, ये सच्ची बात, ये काम क्रोध और लोभ इनकी कथाएं आती है गीता में, ये कह रहा भागवत में, ये सब छूट जाते हैं, क्रोध छूट जाता है, लोभ छूट जाता है, कामना छूट जाती है, छूट जाते हैं, इनमें मन लगता नहीं, प्रतिकूलता खटकती नहीं, भिक्षा लाओ तो उसे थूक दे, लोग थूक डालते और कर दे तो विषय लेता है। मेरे को पूरी याद नहीं है, एक बात मैंने सुनी है, मैणावती माता थी ना, थी तो एक महारानी पर बड़ी संत थी, वो मामूली नहीं थी, राजा का बेटा और उसको साधु बना दे वो माँ कोई मामूली होती है क्या, बहुत विलक्षण थी, उसके पास आते थे संत अपनी परीक्षा कराने के लिए, तो उसके पास एक संत आए कि माता जी मैं क्या करूं, मेरी कमी कहाँ है, कैसे है, तो उनकी बातें हैं, पूरी पूरी याद नहीं है, जो पूरी याद आया वो कहता हूं, तो किसी घर पर बुलाया भिक्षा के लिए और वो निमंत्रण दे दिया, फिर ताना निकल यहां से बाहर, कैसे आ, मेरे घर पर कैसे आ गया, तो तिरस्कार या धक्का दिया तो कुछ रंग आ गया, कहते अभी ठीक नहीं हुआ, अभी आपकी बात तो से ठीक नहीं है, फिर उसने किया, फिर वो देख लेने को जो भिक्षा लार जाते हैं तो भिक्षा गिरा दी, हाथ में भिक्षा नहीं हुई, खाने के लिए बैठा दिया, फेंक दी, जब भूखा मरे बड़े 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 क्या करे, दुखी होते हैं कि माता जी क्या है, तो भाई असली बात नहीं है, अभी ऐसे कई तरह की बातें हुई, फिर उसको ज्यादा तंग किया, धक्का मारा, ऐसा किया, तो भाई अब वो बात नहीं है, आप कितना ही करें वो बात अब नहीं है, या भविष्य नहीं है, कहते हैं कि अब तक मैं पड़ा बैठा है ये, अब वो बात नहीं है, मेरे कितना ही आप करो, वो मैं अपना बैठा है, ये गया नहीं अभी, इस तरह से परीक्षा करे तो पता लगे हम नायक ही नहीं है वहां तक पहुंचने के, थोड़ी सी बात हुई भिक्षा हाथ में फेंका दी, भिक्षा फेंका दी,
कहाँ गए, अभी तक कहाँ भैया, अब वो बात नहीं है अभी। फिर वो निर्विकार हुए तब कहता अब मेरे आप पर मेरे विकार नहीं है, कि ये जो विकार नहीं है ये अभिमान है, अभी अभी देरी लगे थी, अब आप करो मुझे अपना विकार नहीं है। कैसी बात है, कहाँ है हमारे वो चीज। गोपीचंद को कहा एक तो बढ़िया भोजन करना, एक परकोटे में गढ़ में रहना और एक वर्ष सैया पर सोना, तीन बात बताई गोपीचंद को। गोपीचंद का मां तू तो तेरी बात विरुद्ध कर रही है, घर से तो निकाल रही है और गढ़ में रहना, कि बेटा ये गढ़ गढ़ नहीं है, जो संत महात्मा पुरुष है उनके स्थल में रहना, उनके पास वो गढ़ है, ये गढ़ रक्षा नहीं कर सकता, वहां रहना दुख हो सुख हो आराम हो, परकोटे में रह गढ़ में रहना, गढ़ में जिसमें रक्षा होती रहे, और बढ़िया भोजन करना। बढ़िया भोजन का अर्थ क्या, अब बढ़िया भोजन राजा और फकीर हो गए वहां बढ़िया भोजन मिलेगा, अत्यंत भूख लगे तो खाना बढ़िया मिलेगा, वो बढ़िया ही माने वो बढ़िया भोजन करना। अब सैया पर सोना क्या, भजन तो हम करते ही रहे फिर तंगा हो जब सो जाए, बढ़िया सैया होगी फिर नींद आ जाएगी, ये चीज है। अब साधु हो गया आराम से खाना मिलता है, मोहब्बत में आराम मिलता है और भजन करते हैं, ऐसी बातें नहीं है भाई, असली लगन नहीं है। अनन्यता कैसे होगी, ऐसा अपना भाव बनाओ असली भीतर से, मैं भगवान में। कहते हैं ये बात क्या है, भगवान को अपना मानते हैं, मन माया शोक और भय से ग्रसित पाते हैं अपने को, अपने को कहां मानते हैं, अपने को चिंता चिंता दीन दयाल को मोहम्मद, अपने कोई ग्रह अपने काम है क्रोध है लोभ भाव है तो हम चिंता क्यों करें, भगवान देखते हैं भगवान जानते हैं। वो संतों की बात बताती है बधु तू जाने छे। अब जंगल में भजन कर रहे हैं, वो डाकू लेकर भागे, पीछे सिपाही दौड़ पड़े तथा सुनी हुई डाकू, तो वे देखा कि अभी बाहर जाएंगे तो एक बाबा जंगल में बैठे अपना भजन कर रहे थे, वो चीज हमारा करने लगे, जंगल में छिप गए, आने वाले लगे मारने, कि अब साधु बना है भजन करता है, ये सब ले आया तो चोर कर डाका डाल करके। तो वे कहते हैं मार पड़ रही है, कसूर कोई किया ही नहीं और मार पड़ रही है, बस में के बधू तू जाने छे। हमारे एक विवाद हो गया था एक सज्जन साथ में, गोरखपुर से गए थे दूसरी जगह, बलिया गए थे कहीं गए थे याद नहीं, बलिया एक शहर है, तो वहां एक भाई ने कहा गांधी जी के ऊपर ईशा का असर पड़ा, कि इधर थप्पड़ मारी है एक इधर मार दो, क्रॉस पर चढ़ाया तो ये परमात्मा इनको सद्बुद्धि दो, ऐसा ऊंचा असर पड़ा मेरे आगे तेजी। आप कितना ही किसी धर्म का ऊंचा बता दीजिए, उनसे ऊंची मैं बता दूंगा, सनातन धर्म समान ऊंची है ही नहीं, कहीं मिलेगी कैसे। उसने विवाद किया कि इनको सद्बुद्धि दो अनाथ ये प्रार्थना, तो मैंने ये कहानी सुनाई। वो कहते बधू तो जाने से, ऐसा नहीं कि अन्याय हो रहा है, इनको सद्बुद्धि दो, अपना देखता है महाराज बधू तो मैं जानता नहीं, किस पाप का दंड हो रहा है, क्यों मार पड़ रही है, बधू तो जाने से आप जानते हो, मैं जानता नहीं हूं, बोलो ये नहीं कि इनको सद्बुद्धि दो मेरे को क्यों मार रहे हैं, तो दुर्बुद्धि है उनकी, उनकी दुर्बुद्धि देखते ही नहीं, मैं जानता नहीं हूं बधू तो जाने छे। ये बात होनी चाहिए सत्संग करने वाले भाई बहनों से कहना कि ये बात है भाई ऐसी है बात है।